ना कुछ ऐसे अकाउंट्स है या खर्चे हैं जो थोड़ा सा ध्यान से ट्रीटमेंट देना है, उसका हम लोग पोजिशनिंग देखेंगे, ट्रेडिंग पैनल कहाँ पे आएगा, उसके कुछ लॉजिक समझेंगे। वंस ये थोड़ा सा वैरायटी समझ में आया, देन वी आर रेडी टू गेट स्टार्टेड, करेक्ट? सो अब तुम्हारे सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबको दिख रहा है? सबको यस दिख सर, रहा हाँ सर दिख रहा है। है? ओके, नाउ टेल मी, अब तुम्हारे सामने एक दो वेजेस के संदर्भ में पांच वैरायटीज पॉसिबल है। वैसे और भी कर सकते हैं, बट तुम्हारे एग्जाम के लिए 99.99% इतना ही रहेगा वेजेस का। तो सबसे पहले बताओ वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा यस। ना वेजेस ट्रेडिंग का अकाउंट कुछ सर। भी बोला नहीं उन लोगों ने, ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर का, ठीक है? सो तुम क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखोगे टू वेजेस, कितना? 6,000। सो पहला पार्ट वेजेस, अगेन 50 में से 40 सब में सिर्फ वेजेस आएगा। नाउ इफ प्रोडक्टिव वेजेस आया तो क्या करोगे? ट्रेडिंग में आएगा सर। सो प्रोडक्टिव मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन, इसलिए प्रोडक्टिव वेजेस विल कम ट्रेडिंग डेबिट। ये तुम्हारे 201 सम में सारे वैरायटीज जो वेजेस के मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, यूनिक चीजें डाल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस रहा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट में एंड आएगा। लॉस, नाउ नाम से पता चलता है कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग और परचेज रिलेटेड खर्चा ही है, इसलिए ट्रेडिंग में आएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एग्जाम ट्रायल बैलेंस में आता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में ही डालना है। मगर ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज जरा म्यूट करो। नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रोडक्टिव इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, अनप्रोडक्टिव इज रिलेटेड टू से अकाउंट्स हो या जो भी हो जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली सहभागी नहीं होता। सो अनप्रोडक्टिव इज ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट? किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आंसर दे के अनम्यूट म्यूट करते रहो थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। तो नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला शब्द क्या है वेजेस, ये हमने पहले भी देखा था। सैलरीज होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। लोग की याददाश्त गई नहीं लगता अभी तक, है बढ़िया। नेक्स्ट तुम्हारे सामने सैलरीज हमने का डायमेंशन दिए हैं, ये सब अलग अलग वैरायटीज है जो एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। इससे ज्यादा तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा, 11th और 12th के बाहर नहीं आएगा ये। चलो नेक्स्ट बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट नाउ सैलरी सिर्फ दिया है तो वो एज्यूम डे कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, इसलिए तुम हमेशा कहाँ पे डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, टू सैलरीज। नेक्स्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस। वर्क मैनेजर सैलरी, इतने जल्दी फैसला नहीं लेने का बेटा, सोच के थोड़ा। वर्क मैनेजर मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, और हमने जब प्रैक्टिस लिया था करीबन 100 करीबन थे ना वो अकाउंट्स, उसमें वर्क मैनेजर सैलरी भी आया था। वर्क मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज, वो ट्रेडिंग डेबिट आएगा। समझा करेक्ट? सो वर्क मैनेजर सैलरी, नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस पहला शब्द देखने का सैलरीज है, तो टू सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट डालने का। नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ, प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन स्टाफ का सैलरी मतलब वो बाकी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन वर्कर नहीं, दूसरा स्टाफ है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लियर यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट वैरायटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी है, इसमें बच्चे लोग अक्सर फंस जाते हैं। चलो करो स्टार्ट। बोलो सबसे पहले कैरेज शब्द। नाउ याद रखना कैरेज, बहुत तीन बोल्ड हो गए बेटा लोग, इतने जल्दी नहीं हिट विकेट होने का। कैरेज कुछ बोला नहीं है, आउटवर्ड तो जरा जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे काटो मत, तुम्हारा नॉलेज लिमिटेड है बेटा। जब हम खरीदते हैं कुछ बोला नहीं एग्जाम में, सिर्फ कैरेज शब्द दिया हो और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो उसको कैरेज ऑन परचेज एज्यूम करना, और वो हमेशा ट्रेडिंग डेबिट आएगा 200 के 200 सम में दिया रहेगा, तो कोई उसमें दूसरे ऑप्शन नहीं है। याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे तरीके से गलत है। सो सिर्फ कैरेज बोला है ट्रायल बैलेंस में तो वो 100% ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, अंडर एजम्पशन कि वो कैरेज ऑन परचेजेस है। कैरेज ऑन सेल्स के लिए शब्द अलग आएगा जो हम देखेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड से ही पता चलता है कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा है इनवर्ड, परचेजिंग कॉस्ट है ट्रेड, ट्रेडिंग डेबिट। इनवर्ड मतलब खरीदी का खर्चा है वो। सो देयरफॉर कैरेज इनवर्ड कभी आता है तो इट इज ऑलवेज ट्रेडिंग डेबिट। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, ट्रेडिंग। नाउ आउटवर्ड मीन्स फिनिश गुड्स जाना, क्योंकि तुम आउटवर्ड कब भेजोगे? जब तुम्हारा गुड्स बन जाएगा। गुड्स बन जाएगा तो टेम्पो में फॉर डिलीवरी दोगे। डिलीवरी इज नथिंग बट सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयरफॉर कैरेज आउटवर्ड विल ऑलवेज बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कुछ गलतियां हो रही है तुमसे, वैसे एग्जाम में ना हो इसलिए हम पहले से ही कुछ शब्दों का क्लैरिटी दे रहे हैं तुमको। नेक्स्ट रेलवे, जो कंटेनर है रेलवे का, तुमने रेलवे से कुछ रॉ मटेरियल मंगाया, वो रेलवे के बोगी या कंटेनर से आएगा, ट्रेडिंग आएगा। Yes. ट्रेडिंग। प्रोडक्शन और परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट वो रेलवे फ्रेट जो चार्जेस है, फ्रेट मतलब भाड़ा, जो भाड़ा लगता है तुमको, ठीक है, चार्जेस ऑन परचेजेस जो है वो अंडरस्टूड है कि ऑन परचेजेस है, कितना है $5,000। लास्ट का सिर्फ रेट वर्ड आया तो क्या करोगे? सिर्फ रेट करके वर्ड आया तो क्या करोगे? याद रखो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट वो खरीदने का या तो ट्रेन या तो ट्रक का भाड़ा है, वो हमेशा ट्रेडिंग डेबिट आएगा, कुछ बोला नहीं होगा तो फ्रेट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फ्रेट इनवर्ड, सिर्फ दिया होगा वो ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। ये कुछ ट्रिकी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये काफी बार बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। इनफैक्ट 11th और 12th में देखा जाए तो सबका पोजीशन बहुत क्लियर है। जैसे मैंने बोला कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, उसके कोई दो राय नहीं है,
कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, या फ्रेट का कोई दो राय नहीं है, तो पूरे फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक प्रकार का ऐसा खर्चा है जिसमें दो राय है। मतलब तुम्हारे 1000 खर्चे होंगे तो 999 का पोजीशन डायरेक्टली देते आता है, बट यदि ट्रेड एक्सपेंसेस आया तो मैं बोलूंगा मुझे और थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रेड से पता चलता है, वो ट्रेडिंग भी है लेकिन कुछ सिचुएशन में वो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो जिसका पोजीशन या तो ट्रेडिंग में होगा या तो डेबिट होगा। तो इसको जानने के लिए जब ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में आता है तो डायरेक्टली फैसला लेने का नहीं कि उसको ट्रेडिंग में डालना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। सबसे पहले जब भी ट्रेड एक्सपेंस आया, ठीक है ना, तो पहला सवाल ये करने का कि ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ कोई जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री या अदर एक्सपेंसेस है कि नहीं। नाउ टेल मी, क्या इधर ऑफिस, मिसलेनियस, जनरल कोई खर्चा है क्या साथ में? नहीं सर। दिख रहा है ना ऊपर जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है? है सर। सर वो हाँ जनरल एक्सपेंसेस है। नाउ सीधा हिसाब है, जनरल एक्सपेंसेस विल ऑलवेज कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऐसे केस में जनरल एक्सपेंसेस है तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया। इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में या तो जनरल या ऑफिस या मिसलेनियस या सन्ड्री या अदर एक्सपेंस दिया हो, यदि साथ में हो ट्रायल बैलेंस में, देन ट्रेड एक्सपेंसेस विल कम टू द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मैंने बताया सिर्फ ये एक खर्चा है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। वैसे तो 10 में से एक ही पेपर में आता है, 10 भी नहीं, 50 में से एक या दो पेपर में ही आएगा, 2% चांसेस रहते हैं आने के, बट फिर भी आया तो संभालने का। अभी नेक्स्ट स्लाइड में ट्रेड एक्सपेंसेस है। नाउ ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में क्या तुमको कोई सन्ड्री या मिसलेनियस या ऑफिस या जनरल या अदर एक्सपेंसेस दिख रहा है इधर? नो सर। इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने का। सो ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब इसको जनरलाइज तौर पर व्यापार का खर्चा समझ के, सेलिंग एक्सपेंसेस समझ के प्रॉफिट एंड लॉस में लिया। सिर्फ एक ट्रेड एक्सपेंसेस ही है जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी रहता है, इसलिए ज्यादा पेपर में भी लोग पूछते नहीं है। जैसे मैंने बताया 50 पेपर में एक या दो पेपर में, आजकल तो वो कम ही दिखता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस आया, उसके साथ जैसे पिछले स्लाइड में दिया था, यदि जनरल है एक्सपेंसेस तो फिर ट्रेड ट्रेडिंग में आएगा, और कुछ नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये लेकिन एडवांस सम मुझे लगता है 25-30 सम के बाद शायद आएगा, इतना जल्दी तो नहीं आना चाहिए, फिर भी तुमको पता होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट। याद रखो बाकी कोई भी खर्चा या संपत्ति में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर क्लैरिटी दिया है पोजिशनिंग का। हाँ नेक्स्ट ये है, इसमें भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, पोजिशनिंग इज वेरी क्लियर वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। लो नेक्स्ट क्या है, नाउ रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ सबसे पहले तुमको रॉयल्टी का मतलब समझना पड़ेगा। नाउ बैकग्राउंड आवाज म्यूट करो। नाउ रॉयल्टी क्या होता है? जो नासिक का मैकडोनल्ड्स है वो एक फ्रेंचाइजी है, वो जो पर बर्गर जो बनाता है उसको बनाने का जो पूरा लाइसेंस दिया हुआ है ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स कंपनी में, जो इंडिया में शायद हार्ड कैसल नाम की कंपनी उन्होंने खोली है, तो बर्गर तब बनाएंगे जब उनको लाइसेंस मिलेगा। अंडर लाइसेंस उनको, वैसे ये जो मैकडोनल्ड नासिक में उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं,
इसका उसी में ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे। तो पर बर्गर उनको कुछ रॉयल्टी जरूर देना पड़ेगा मैकडॉनल्ड्स को, तब तक वो लोग बना नहीं सकते। सो अब जैसे हम लोग जो ऑथर्स है, निराली पब्लिकेशन जब बुक बनाता है, सपोजिटली 100 रुपए की बुक है, ऑथर्स को रॉयल्टी कैन बी बिटवीन 10%, 15%, 20%, मे बी 25% ऑल्सो इन सम केसेस। तुम्हारा नाम और ब्रांड के हिसाब से तुमको रॉयल्टी मिलता है। सो जब भी निराली पब्लिकेशन कुछ पब्लिश करेगा, उसको कुछ रॉयल्टी ऑथर को देना ही पड़ेगा, समझ में आया? सो रॉयल्टीज सिर्फ बोला मैकडॉनल्ड्स उसके बिना बना नहीं सकता, तो उनका कंपलसरी मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है जो कि करीबन 15 तो नहीं, मेरे हिसाब से 7.5 से 10% होता है मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग का, 7.5% से 10% होता है पर बर्गर जो उनको देना पड़ता है। वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो तुमको देना ही है, उसके बिना तुम बना नहीं पाओगे। सो बर्गर किंग ये लोग सब 7.5% के आसपास देते हैं, ठीक है? तो इट इज ट्रेडिंग। रॉयल्टी ऑन सेल्स, बेचने के लिए किसी को रॉयल्टी हम दे रहे कि तुम तुम्हारा ब्रांड नाम से बेचो, हम सिर्फ बनाएंगे, तो सेल्स का खर्चा है वो, तो दैट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ये सब ट्रिकी चीजों का? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, सम तो आज भी शुरू कर सकते थे, लेकिन पेड़ का जड़ है ना, रूट्स, उसको मजबूत कर दिया तो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो होता है, और अपने को 201 का आंकड़ा पार करना है, इसलिए हम स्टेडीली सॉल्व कर रहे हैं। रॉयल्टी ऑन परचेसेस नाम से पता चलता है प्रोडक्शन या परचेस कॉस्ट है, तो ट्रेडिंग में आएगा। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस में ड्यूअल पॉसिबिलिटीज था, इन सब में कोई ड्यूअल पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, करेक्ट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी बहुत सारा जो हमने वो 100 अकाउंट्स का हेड लिया था इसमें था। ये क्यों अलग से लिया जा रहा है? क्योंकि ये स्पेसिफिक खर्चे हैं जिसका पोजीशनिंग संभाल के करना है। अभी फर्स्ट में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या करोगे इसका? ट्रेड अकाउंट। यदि उन लोगों ने बोला कि फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रेडिंग में डालने का, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो 100 में से 95 टर्म्स में जरूर आएगा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, एज्यूम कि ये बाकी जगह इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब तुम खरीदी बिक्री करते हो, प्रोडक्शन नहीं करते हो, तो इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाला गया है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट्री बोला तो ही वो ट्रेडिंग में आएगा, वरना उसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में लेने का। नेक्स्ट, पावर एंड फ्यूल। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड अकाउंट। नाउ पावर किसको लगेगा? मशीन को लगेगा। सो पावर एंड फ्यूल विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फॉरवर्डिंग चार्जेस। Now, सबसे पहले फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या होता है? एक कंसेप्ट है जिसको सी एंड एफ एजेंट्स बोलते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। फॉरवर्ड मतलब एक्सपोर्ट करना। तुम सपोजिटली यहाँ से बेच रहे हो से अमेरिका को, इंडिया के मसाले बहुत जाते हैं अमेरिका में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जाते हैं, तो बैकग्राउंड में किसी का आवाज अगर म्यूट करो, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ कस्टम ड्यूटी लगता है। कस्टम ड्यूटी वैसे तो बहुत सारे गुड्स पे माफ है, लेकिन जैसे बासमती चावल, चाय, कॉफी, वहां पे लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन वो तो कस्टम्स का टैक्स है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन ऐसे ही नहीं भर सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने पड़ते हैं, शिपिंग बिल सबमिट करना पड़ता है, फिर तुमको इनवॉइस सबमिट करने पड़ते हैं, पैकिंग लिस्ट सबमिट करने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सबमिट करना पड़ता है, ऐसे प्रोसीजरल पार्ट है जो कस्टम्स में, जैसे तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन में तुमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा होगा, 10th का मार्कशीट लगा होगा, तुम्हारा आधार कार्ड लिया होगा तुमसे, ठीक है ना? तुमसे आधार कार्ड लिया होगा, और तुमसे जो तुमने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसका प्रिंटआउट लिया होगा, ठीक है ना? ये सब फॉर्मेलिटीज है,
शायद और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे तो तुमको पता, ठीक है ना, एडमिशन के टाइम में। वैसे ही कस्टम्स के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट। नाउ क्या होता है कि तुम खुद करने के बजाय तुम एजेंट का हायर करते हो, जिसको C&F एजेंट बोलते हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज पूरे करेगा। तो तुम उसको जो चार्ज दोगे एक्सपोर्ट के लिए, वो फॉरवर्डिंग चार्जेस है। तुम एक्सपोर्ट क्यों करोगे, सेल डोमेस्टिक में और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट, तो सेलिंग खर्चा हुआ ना वो एक प्रकार का, इसलिए कहां पे आएगा प्रॉफिट। तो फॉरवर्डिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। इंपोर्ट ड्यूटी इज अ कस्टम ड्यूटी जो हम जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स लगता है। जैसे मैंने बताया था हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करोगे तो 50% टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रेडिंग में डालेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा परचेस कॉस्ट हुआ। एक्सपोर्ट ड्यूटी तुम्हारा एक्सपोर्ट है, बराबर है। सो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो आगे बढ़े। एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गया। चलो नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कौन बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो कौन बताएगा, रिपेयर्स टू बिल्डिंग और बिल्डिंग? सर प्रॉफिट एंड लॉस। रिपेयर्स और बिल्डिंग। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग खर्चा है तुम्हारा प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए। So, repairs to building, profit and loss account debit डालोगे। कितना? 7,000। फिर next क्या दिया हुआ है? Building। सर संपत्ति है तो बैलेंस। देखो कितना इजी है, वन से समझ में आएगा ना, बाद में सम्स बहुत इजी जाएगा तुम्हारा। चलो और एक नेक्स्ट, किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है बर्तन का, कोई पार्थ क्या कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है तुम लोग में से? पार्थ तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोग को पूछ रहा हूँ, कोई बर्तन मांज रहा है? नो सर। नहीं, कोई तो मांज रहा होगा ना, कोई नहीं। चलो ठीक है, नहीं बांध रहे तो जॉब दो। नेक्स्ट, अब ये एडजस्टमेंट्स आ गया। चलो ठीक है, एडजस्टमेंट्स बाद में आना चाहिए था, फिर भी हम बता देते हैं। नाउ टेल मी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहाँ पे आएगा मुझे बताओ सबसे पहले? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो रिपेयर्स टू बिल्डिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। अच्छा ये आ गया। अब याद रखो, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, सम सॉल्व करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट आएगा। जो एडजस्टमेंट आएगा उसके हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। बिल्डिंग कितना है? 50,000। नाउ बिल्डिंग इस्तेमाल करने से वैल्यू घटता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। नाउ अभी इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू 10% कम हुई, बराबर है। बिल्डिंग कितना है? 50,000। यहाँ पे कितना आएगा? 50,000। नाउ टेल मी, बिल्डिंग की वैल्यू इस्तेमाल करने के बाद बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। घटेगा, उस घटने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो हमने क्या किया, लेस डेप्रिसिएशन लिखा, ठीक है, एट द रेट 10% हम लिखेंगे, 10% से वैल्यू घटा। ये वो लोग ही देंगे, इसमें और एक दो वैरायटीज है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो एट द रेट 10% कितना आएगा? 50,000 का 10% 5,000। सो हमने 5,000 लिखेंगे।
सो जो संपत्ति साल के शुरुआत में 50,000 था, साल के अंत में कितना आएगा? 45,000. नाउ टेल मी, तुम्हारा वैल्यू कितना कम हुआ? 10% कम हुआ. सो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. याद रखो, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आता है. करेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोलना है. सो रिपेयर्स टू बिल्डिंग का एक इफेक्ट, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड. सबको समझ में है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे देने हैं? यस सर. यस सर. इसको धीरे धीरे और क्लियर होगा तुमको. अगेन ये जो पार्ट है, रिपेयर्स एन अमाउंट 3,500 स्पेंड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग इज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये समय से पहले थोड़ा आ गया. लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ एक बात बताओ, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है बताओ? ट्रायल बैलेंस बिल्डिंग, वो कहां पे आएगा पहले बताओ? बैलेंस शीट. तो हमेशा जो बिल्डिंग के संदर्भ में एडजस्टमेंट है, ठीक है, हमेशा मतलब ज्यादातर केसेस में एडजस्टमेंट में दिया होगा. तो पहले ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट देने का बिल्डिंग, उसका 83,500 का एक इफेक्ट आएगा जो हमने इनर कॉलम में लिखा. इनर कॉलम में क्यों? उसमें कुछ एडजस्टमेंट है. अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी टू व्हीलर है, 60,000 की एक्टिवा है, तुम एक्टिवा को सर्विसिंग कराते हो, सर्विसिंग का खर्चा आता है 1,500 रुपया, उसका ऑयल चेंज और ब्रेक ऑयल चेंज, इंजन ऑयल चेंज, सब चेंज करवाते हो, तो 1,500 का बिल आता है. Now tell me, क्या 1,500 तुम्हारा खर्चा है क्या एक्टिवा की कीमत में जुड़ेगा? वो खर्चा है. एक्टिवा की कीमत में कैसे जुड़ सकता है? तुमने एक्टिवा का कोई नया पार्ट नहीं लगवाया या एक्स्ट्रा टायर तो एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन तुमने कुछ एक्स्ट्रा बिठाया नहीं है. सो वही वाली बात है, बिल्डिंग में तुम कुछ बोलते ना, खराब हो गया था, कुछ हल्का सा बोलते ना, कीड़े साफ सफाई करवाया तुमने, या एंड कॉकरोच को मारने का कुछ तो कराया बिल्डिंग में. सो तुम्हारा खर्चा आया 3,500 रुपए का, ठीक है. सो ये जो बिल्डिंग का 83,500 का जो ट्रायल बैलेंस का है, अकाउंटेंट ने क्या किया, जो बिल्डिंग में रिपेयर कराया वो 3,500 बिल्डिंग के कीमत में जोड़ दिया. नाउ टेल मी, क्या है सही है क्या गलत है? गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि बिल्डिंग में जब तुम दीवार बांधते हो तो तुम वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है ना. तुम एक्टिवा में नया हेडलाइट लगाते हो, मतलब एक और लाइट, एक्स्ट्रा लाइट बिठाते हो, तो एक्टिवा का कीमत बढ़ता है, ठीक है ना. तो या तुमने बिल्डिंग में एक्स्ट्रा बालकनी लगा दिया तुम्हारे फ्लैट में, तो तुम्हारे फ्लैट की कीमत बढ़ेगा. बट यहाँ पे बिल्डिंग 83,500 है, तुमने रिपेयर कराया और वो रिपेयर बिल्डिंग के कीमत में जोड़ दिया, पूरे तरीके से गलत है. ये जो है रेवेन्यू खर्चा है, मतलब आमदनी बढ़ाने के लिए बस तुमने साफ सफाई किया है. सो तुम क्या बोलोगे? बिल्डिंग रिपेयर्स यहां से माइनस करोगे, कितना होगा? 3,500 तुम माइनस करोगे, कितना बचेगा? 80,000. नाउ टेल मी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहां आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए. एक सेकंड ना, मेरा फोन आ रहा है. ओके, सो तुम क्या करोगे? पहले तो हमने क्या किया, बिल्डिंग रिपेयर्स माइनस किया 3,500, और फिर सेकंड इफेक्ट कहां पे दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दिया. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ तुम लोग को? यस और नो? यस सर. अच्छा, अभी तुम्हारा बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू 80,000 था, वो 80,000 ही है, क्योंकि गलती से अकाउंटेंट ने जो बिल्डिंग रिपेयर कराया वो बिल्डिंग के कीमत में जोड़ दिया. हमने बोला है तो गलत बात है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, तुमने बिल्डिंग में कैसे जोड़ा? तो अभी हमने अकाउंटेंट की गलती करेक्ट कर दी, हमने यहाँ पे लेस किया, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया. अब 80,000 पे डेप्रिसिएशन तुम लोगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%. सो करेक्ट वैल्यू बिल्डिंग का 80,000 है, सो डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% तुम करोगे.
विच इज 4000, यहाँ पे 4000 लिखोगे, माइनस करोगे, आउटर कॉलम में आएगा 76000, सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना लिया 4000, करेक्ट, सब लोग का इतना समझ में है सबको? यस सर। नाउ नेक्स्ट, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और रिजर्व। नाउ ट्रायल बैलेंस में पहले बताओ डेबिट साइड है क्या क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। नाउ क्रेडिट साइड जब भी रहेगा ना, ये जो क्रेडिट साइड है इसके दो ही पोजीशन होंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ सकता है या तो लायबिलिटी साइड आ सकता है। डेबिट में रहेगा तो या तो पीएनएल या तो ट्रेडिंग डेबिट साइड या तो संपत्ति, ऑल एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, सबको पता है। नाउ नफा अल्टीमेटली किसका है बताओ, मालिक का, जो नफा है कम धंधे का वो अल्टीमेटली किसको जाता है, मालिक को, ठीक है ना। तो नफे में से जो रिजर्व बनता है वो भी किसका है, मालिक का, इसलिए धंधे के लिए धंधे ने जो रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व या जो रिजर्व क्रिएट किया है, ये तीनों के क्रेडिट बैलेंस है, वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आ चुका है उसके बाद, जैसे तुम्हारा पॉकेट मनी 10,000 है, उसमें से 2000 तुमने रिजर्व फंड में डाला, तो याद रखो रिजर्व फंड हमेशा लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, सो धंधे का जो प्रॉफिट है वो मालिक को जाना चाहिए। उसी प्रकार प्रॉफिट में से जो तुमने रिजर्व, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या फर्क है, अभी तुम्हारा एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है ना, तुम जमीन का ही कहीं बाजू में करते हो पैसा, तुम्हारे धंधे में जैसे कोई जमीन खरीदा तो दैट इज रिजर्व फंड, और ऐसे ही खाली पैसा पड़ा हुआ पैसा दैट इज जनरल रिजर्व। वैसे टेक्निकल फर्क तुमको एग्जाम के लिए नहीं है, बट ये फर्क समझो कि रिजर्व फंड हो या जनरल रिजर्व हो या रिजर्व हो, ठीक है ना, ये हमेशा लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि प्रॉफिट में बाजू निकाला हुआ ये पैसा बिलोंग करता है मालिक को, मालिक मतलब कैपिटल, हमेशा लायबिलिटी साइड ही आएगा कैपिटल। तो इस प्रकार से जो रिजर्व है वो तुम्हारे लायबिलिटी साइड आएगा। वैसे रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व या रिजर्व, ये हमेशा तुम्हारे लायबिलिटी साइड आएगा। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? उसके दो कारण है, पहला कारण तो ये क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी, दूसरा कारण है कि ये पैसा अल्टीमेटली मालिक को बिलोंग करता है इसलिए लायबिलिटी साइड आया। क्या ये पार्ट सब लोग क्लियर है, कंफर्म करो यस और नो। यस सर। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है गुडविल यूजफुल, पूरा एक लिस्ट है। नाउ टेल मी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है क्या क्रेडिट साइड में है, ये जो अमाउंट्स है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है क्या क्रेडिट साइड में है? डेबिट साइड, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड इधर मींस ट्रेडिंग डेबिट और इट मींस एसेट साइड, दो में से एक ही होगा। ये डेबिट है तो ना क्रेडिट में आएगा ना लायबिलिटी में आएगा। सो डेबिट साइड मींस या तो ट्रेडिंग डेबिट या ऑल एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो इधर। अभी एक ही करके शुरू करते हैं। गुडविल, गुडविल कहां पे आएगा बताओ? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। क्यों गुडविल संपत्ति हुआ तुम्हारा? नेक्स्ट लूज टूल्स, याद रखो लूज टूल्स को भी बैलेंस शीट एसेट साइड माना जाता है। Tell me patents. Sir, balance sheet. Balance sheet में कहा? Asset side. Balance sheet के दो side होते हैं, liabilities और assets. Next, royalties. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था McDonald's के लिए तुम्हारा खर्चा है ना पर बर्गर पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो,
रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट नेक्स्ट कॉपीराइट बैलेंस शीट कॉपीराइट बहुत बड़ा संपत्ति है भाई तुम्हारा नेक्स्ट ट्रेडमार्क बैलेंस शीट नहीं बोलने का बैलेंस शीट एसेट साइड बोलने का बैलेंस शीट में दोनों साइड होते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स कौन सा साइड वो क्लैरिफिकेशन देने का ठीक है यस सर चलो ये लो फटाफट लो ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नाम से पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी नाउ सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस ठीक है पहली बात तो ये कौन सा साइड है डेबिट साइड है या तो डेबिट या तो एसेट साइड में आएगा दो में से एक पॉसिबिलिटी है नाउ इंश्योरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन प्रीपेड हुआ तो पर्सनल बन जाता है पर्सनल मतलब बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एसेट साइड कहां पहचानने का कौन सा डेबिट साइड है मतलब संपत्ति तो एसेट साइड लॉजिक समझ में आया कौन सा ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड है उससे तुमको जजमेंट आ जाना चाहिए कहां पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस इसका लॉजिक है कि तुम्हारी अमानत इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा है तुम एक्स्ट्रा नहीं बोलते ना काम नहीं किया तो तुमको वापस मिल जाएगा पैसा मतलब तुमने 12,000 का पॉलिसी निकाला दो महीने हो गए तुम बोलते हो नहीं हमको पैसा वापस चाहिए कुछ तो ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो वो लोग वापस कर देंगे तुमको हिसाब से सो तुम्हारी संपत्ति सामने वाले के पास जमा है जैसे तुमने भाड़ा अगले 3 महीने का भर दिया लेकिन तुम अभी छोड़ रहे हो तो तुमको 3 महीने का भाड़ा वापस मिलेगा सो प्रीपेड रेंट हुआ प्रीपेड खर्चे एसेट में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट एसेट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड सिल्वर बैलेंस शीट एसेट साइड नेक्स्ट शॉप फिटिंग्स अब शॉप में जो तुम वायर लगाते हो ये वन टाइम रहता है बार बार तो खर्चा नहीं है तो इसलिए शॉप फिटिंग्स तुम्हारा जो है वो एसेट साइड आएगा करेक्ट नेक्स्ट देखो सैलरीज कहां पे आएगा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज बैलेंस शीट सेकंड अभी सैलरीज खर्चा है मानते हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया मतलब पर्सनल हुआ पर्सनल मतलब बैलेंस शीट अब ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड है डेबिट साइड है क्या क्रेडिट साइड है क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी मतलब तुमको सैलरी देना बाकी है 9,000 सैलरी तुमने दे दिया है 1,000 रुपए का सैलरी देना बाकी है मतलब लायबिलिटी हुआ कैसे पता चलाया ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इस प्रकार से तुम ट्रायल बैलेंस कई बार मैं तुमको पूछूंगा कमीशन शब्द आया तो पूछूंगा भाई डेबिट साइड है क्या क्रेडिट साइड है रेंट में पूछूंगा डेबिट साइड है क्या क्रेडिट साइड है उसके हिसाब से पोजिशनिंग चेंज होता है अब रेंट ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड है डेबिट डेबिट मतलब पीएनएल डेबिट खर्चा है तुम्हारा क्रेडिट साइड होता तो मैंने पीएनएल क्रेडिट में डाला होता इनकम होता वो तो इस प्रकार से तुमको अंदाजा लगाना है नाउ प्रीपेड रेंट सीधी बात है रेंट नॉमिनल है तो प्रीपेड रेंट पर्सनल हो जाता है मतलब बैलेंस शीट मतलब अभी कौन सा साइड डेबिट साइड है क्रेडिट साइड डेबिट साइड दिया तो कहां आएगा नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीज होल्ड मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है तुम्हारा जो तुमने भाड़े पे दिया है तुम्हारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी क्या हुआ बैलेंस शीट एसेट
नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड, बट शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सोचो तुम्हारा पगार 10,000 रुपया है, ठीक है। अभी कंपनी क्या करती है, तुम्हारा 10,000 रुपये में से, अब तुम सपोजिटली मैं कंपनी हूं, तुम मेरे यहाँ पे टीचिंग जॉब करते हो, मैं तुमको 10,000 का सैलरी देता हूँ। अभी कायदा यह बोलता है कि सैलरी से 10 से 12% काटना पड़ता है, तो मैं तुम्हारे सैलरी से 10% काट लूंगा, कितना हुआ, तुम्हारे हाथ में कितना आएगा बताओ, 9,000 आएगा। डू यू एग्री? यस सर। अब मैंने जो 10% काटा है 1,000, अब मैं खुद का 1,000 रुपया डालूंगा, तुम्हारा जो काटा हुआ 1,000 रुपया प्लस मेरा कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ 1,000, ये 2,000 एक प्रोविडेंट फंड में जाएगा और हर महीने ऐसा जमा होगा। जब तुम रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के टाइम में तुमको ये पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड का एक साथ मिल जाएगा, तो रिटायरमेंट के टाइम में काम में आता है। अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड रखा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा फंड मैं मेंटेन कर रहा हूँ। सो जो भी मैं तुम्हारे सैलरी से काट रहा हूँ, जो मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो एक सेपरेट फंड में मैंने बना लिया है। नाउ टेल मी, ये फंड का पैसा मेरा है क्या तुम्हारा है? ये कंपनी का पैसा है, एम्प्लॉइज का पैसा है, एम्प्लॉय का है, तो अल्टीमेटली वो लायबिलिटी हुआ। और वैसे भी पता चलता है प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड में 12,000, इसलिए उसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। पहला लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझा प्रोविडेंट फंड? Yes, अभी जो तुम्हारे सैलरी से 1,000 काटा, वो तुम्हारा सैलरी से काटा, लेकिन मैंने खुद के जेब से भी इक्वल कंट्रीब्यूशन किया। मैंने जो 1,000 रुपया डाला है मेरे लिए खर्चा है एज अ कंपनी, सो मैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो बोलूंगा उसको एक्सपेंसेस बोलूंगा। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सैलरी से 1,000 काटा प्लस मेरा खुद का 1,000 डाला, सो कंपनी के लिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन खर्चा है, तो पीएनएल डेबिट डाला। फिर मैंने क्या किया, जो 12,000 जमा हुआ है ना, ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, मे बी शेयर्स में, गोल्ड में, ताकि रिटायर तुम जब रिटायर होंगे तो उसको बेच के वो तुमको पैसा लौटा सको। सो इन्वेस्टमेंट शब्द आया, सीधा हिसाब है, जो इन्वेस्ट किया, ये जो शब्द है इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट से पता चलता है वो एसेट साइड में आएगा, भले ही वो मेरा एसेट है लेकिन बेच के वो लायबिलिटी पे करूंगा। सो जो 12,000 मेरे पास, ऑल लायबिलिटीज शुड बी इक्वल टू एसेट, सो मेरे पास जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा हुआ है, वो पैसा मैंने रखा तो कोई कमाई तो होगा नहीं खाली पैसे से, तो इसलिए उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। लॉजिक समझा? अब तुम्हारे पास पबजी खेलते हो, बुलेट्स ऐसे ही पड़े, सामने दुश्मन आया, तुम तो वार करोगे, उसी प्रकार से तुम्हारे पास जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, वो पैसा जो 12,000 है वही तुम इन्वेस्ट करोगे। और लास्ट में जो सपोजली तुमने बैंक में पैसा जमा किया, तुमको ब्याज मिला, ना मेरा एक सवाल है, क्या वो तुम्हारा इनकम है कि एम्प्लॉय का इनकम है? इंटरेस्ट मिला उसमें, तुम्हारा इनकम है कि एम्प्लॉय का इनकम है? वो अल्टीमेटली मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो मेरा थोड़ी है, वो एम्प्लॉय का पैसा है, इन्वेस्ट मैंने किया है एम्प्लॉय के नाम पे, तो वैसे तो इनकम इधर आना चाहिए, लेकिन सिंस ये अकेला जो बाकी सारे इंटरेस्ट पेनल क्रेडिट में आते हैं, क्रेडिट साइड मतलब इनकम है तो लायबिलिटी, लेकिन ये जो 1200 मुझे मिला है ब्याज, वो मेरा खुद का नहीं है, ये अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय रिटायर होगा, सपोजली तुम आज रिटायर हो रहे हो, तो तुमको मैं दूंगा 12,000 प्लस ये जो 1200 का जो है ना ये इंटरेस्ट, ये तुमको दूंगा, समझ में आया? तो 1200 रुपया का तुमको दूंगा मैं 13,200 रिटायरमेंट के टाइम में, क्योंकि इंटरेस्ट पैसा भी तुमको बिलोंग करता है। यहाँ पे तुम्हारा सब खत्म होता है, ये एडजस्टमेंट्स हम कल के सेशन में लेंगे, सो दैट तुमको थोड़ा और वैरायटी पता चले, और फिर मंडे से मोस्टली हम सम सॉल्विंग शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट पूछना है? नो सर। तो आज का लेक्चर में इधर ही